प्रोबेबिलिटी रूल्स टुडे। अच्छा, सब लोगों ने सेट थ्योरी तो किया होगा ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, वो तो सब लोगों को याद होगा, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नागरन दास में ना ऐसा यूनियन वगैरह करके नहीं दिया है, बट मैं आपको जो प्रोबेबिलिटी अभी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको रूल्स समझाऊंगी, क्योंकि सिर्फ हम अगर रूल्स लिख ले वो रटने वाली चीज हो जाएगी, तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रूल्स समझेंगे, देखते हैं आपको कितना याद है सेट थ्योरी, एंड देन आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वन और टू क्वेश्चंस, देन वी विल फॉर्मली गो टूवर्ड्स व्हाट नागरन दास सेइंग, बिकॉज नागरन दास इज सेइंग इन अ वेरी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टर्म्स, बट हम उसको अपने बेस से पिक करते हुए बिल्ड करेंगे, एंड देन वी विल गो to what Nagarjuna Das has to say regarding the probability rules. Now, Nagarjuna Das is focusing only on two rules, that is additional rule of probability and multiplication rule of probability. So, हम लोग एक question solve करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं normal union और intersection वाली चीज देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग slowly slowly questions की help से इन rules को समझेंगे. So, I'm giving you a question, just write this down side by side. So, and there are various parts to this question. एक ही question में ना हम सब कुछ करना चाहेंगे. So, suppose that two dice, one green and the other red are thrown. And we are saying let A be the event that the sum of the points on the faces shown is odd. तो हमने एक इवेंट डिफाइन किया है कि हम जब डाइस थ्रो करेंगे तो हमारे दोनों डाइस के ऊपर, सॉरी दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा उसका समेशन ऑड होना चाहिए, उसका समेशन ऑड होना चाहिए. हम लोग बी इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड बी बी द इवेंट ऑफ एटलीस्ट वन एस, एस मतलब वन नंबर होना चाहिए. तो हमने एक इवेंट डिस्क्राइब किया ए, जहां पे समेशन दोनों डाइस के ऊपर हमारा ऑड होना चाहिए, और दूसरा इवेंट हमने डिफाइन किया है बी, जहां पे हमारा एटलीस्ट एक नंबर वन होना चाहिए दोनों डाइस में से. एटलीस्ट दोनों भी हो सकते हैं, पर हम एटलीस्ट बोल रहे हैं तो हमें दोनों वाला भी लेना है, ओनली नहीं बोल रहे हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. नाउ वी हैव वेरियस पार्ट्स. मैं नंबर करके पार्ट करूंगी और फिर उसका आंसर पहले आप सॉल्व करोगे, देन आई विल राइट दिस डाउन. सो सपोज दैट वी आर सेइंग नंबर वन, राइट डाउन द कंप्लीट सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस का मतलब होता है कि हमारी जो भी हमने वो जो एन डिस्कस किया था ना क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर, कि हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं जब हम दो डाइस, यस ऋषभ, जब हम दो डाइस थ्रो करते हैं तो वो हमारा 36 बनता है. क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? क्या इसमें, इस पार्ट में किसी को कुछ डाउट है? पर जब हम बोल रहे हैं ना कि हमको सारा सैम्पल स्पेस लिखना है, तो हमको सारा सैम्पल स्पेस लिखना है, दैट इज वन वन, टू वन, थ्री वन, फोर वन, फाइव वन, सिक्स वन, एंड दिस विल गो ऑन लाइक दिस, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, एंड देन दिस विल बी सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स. आप लोग इसके अंदर वाला तो खुद लिख सकते हो ना, मैंने सिर्फ आपका बाउंड्रीज बता दिया कि कैसे जाएगा. या सारा लिख दूं, सारा लिख दूं या कर लोगे? दिस इज योर एंटायर सैंपल स्पेस. एनीबॉडी हु वांट्स टू राइट, हो जाएगा ना? ठीक है, सो आई एम लीविंग इट हियर. सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, राइट डाउन द एंटायर सैंपल स्पेस. नाउ द सेकेंड पार्ट सेज फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. Find out the probability of event A. Please let me know. Event A बोल रहा है कि हमारा summation 1 by 2. Okay. Let us wait for others. How did you calculate so fast, Risha? क्या मैम?
हाउ डिड यू कैलकुलेट सो फास्ट? मैम जब आप वो 2 डाइस लिखने लगे थे तभी मैंने बना लिया था सैंपल स्पेस। ओके, जब ही आपने सैंपल स्पेस बना लिया होगा, सो सैंपल स्पेस देखो आपको काम आएगा, क्योंकि अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो आप पूरा बना लो तो बेटर ही है। मैं लिख ही देती हूँ, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। 1/2 आ गया ना सबका? Yes, ma'am. ओके एनीबॉडी, बेटा हेजिटेट मत करना अगर किसी का नहीं आया हो, नहीं तो पूरा प्रोबेबिलिटी गोल हो जाएगा फिर। 1/2, सो इट शुड कम एक्चुअली एज 18/36, दैट इज 1/2। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्व फॉर इवेंट बी। इवेंट बी इज दैट देयर इज एटलीस्ट एन एस, नंबर वन एटलीस्ट एक में होना चाहिए। देखो कितना बनता है। यस ऋषभ, लेट अस वेट फॉर अदर्स। प्रिया, एकांश, मनीष, नाउ सोनू। सोनू आपके पास स्टैटिस्टिक्स था, इफ यू कैन क्विकली कंफर्म। इसमें मैंने लिया था मैम, ऑप्शनल होता है ना मैम जी में। ठीक है, ओके, आई होप सबका आ गया होगा। सो दिस इज कमिंग टू बी 11/36। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड आउट पी बी बार। पी बी बार मतलब कि हम बोल रहे हैं द इवेंट दैट ईच ऑफ द फेज ऑब्टेन्ड इज नॉट एन ए। अगर हमारा पी बी ये डिफाइंड है, एटलीस्ट एक ए होना चाहिए, तो हमारा पी बी बार डिफाइंड होगा द इवेंट दैट ईच ऑफ द फेज ऑब्टेन्ड इज नॉट एन एस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है वन माइनस पी बी। सो इसको आपका यहाँ पे पी बी आया है 11/36, तो दिस विल कम आउट टू बी 25/36। सो एक तो ये आपका, यहाँ से हम लोग जो रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूलेज डिस्कस कर रहे हैं, वो ऐसे क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंड रेटोफाइंग देम, इट्स बेटर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करें। चलो नेक्स्ट पार्ट है फिर हम लोगों का, आई थिंक वॉट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट इज फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके ऋषभ, यू आर वेरी क्विक, आई वंडर हाउ। सो ए इंटरसेक्शन बी, आई एम टेलिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स। सो ए इज द इवेंट जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारा समेशन ऑड होना चाहिए, ठीक है। सो हमारा ऐसा इवेंट हम बोल रहे हैं जहाँ पे समेशन इज ऑड, और इंटरसेक्शन मतलब हो जाता है एंड, आपने सैम्पल स्पेस में किया होगा। सो अगर हमारा बोल रहे हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो हमें ये वाली चीज निकालनी है, दिस इज ए एंड बी। तो हमारा इवेंट ए होता है ऑड, एंड जो इवेंट बी है दैट इज कि हमारा एटलीस्ट वन फेस एस होना चाहिए। सो जब हम इसका फॉर्मूला करते हैं, सो दिस वुड बी दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, जितना भी हमारी जो भी नंबर्स आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी के, डिवाइडेड बाय जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं सैम्पल स्पेस में। यस, सो यू ऑल गॉट द आंसर। सो दिस वुड बी 6/36। आप सैम्पल स्पेस में देखेंगे कितने ऐसे हमारे नंबर्स हैं जिनका समेशन ऑड भी है और एटलीस्ट एक उसके अंदर वन भी आ रहा है। सो दिस विल बी 1/6। ओके गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। प्रिया, आर यू एबल टू सॉल्व? यस मैम। मनीष, एकांश, ऑल राइट, किसी को किसी में प्रॉब्लम हो प्लीज लेट मी नो। सिक्स्थ पार्ट इज ए यूनियन बी। फाइंड आउट दिस। ओके ऋषभ, ऋषभ ए यूनियन बी is not 11/36. Vikas is right, this is 23/36. So जब भी हम लोगों का a union b आ जाता है ना, union का मतलब हो जाता है और,
मतलब अगर मैं आपको ऊपर वाले सेट में ही बताऊं तो हम बात कर रहे हैं इस चीज की, ये जो मैंने रेड मार्क किया ना, हम लोगों को फाइंड आउट करना है या तो हमारा ये वाला रेड पोर्शन हो ए का, या फिर हमारा ये वाला रेड पोर्शन हो ए का। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है आप लोग देखो, पी ए ए यूनियन बी अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं लेना है, यही होगा ना इसका फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों को नहीं लेना है। सो दिस वुड बी 23/36। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी ऑल दी नंबर्स ऑफ इवेंट्स वेयर इन देयर इज ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय द नंबर्स देयर आर इन द सैंपल स्पेस। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस देयर विल बी 23/36। ऋषभ हो गया बेटा? यस मैम, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बस, ठीक है हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट फिर हम लेते हैं, सेवेंथ पार्ट, दैट इज फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन पी बी बार। फाइंड आउट दिस ए इंटरसेक्शन बी बार। नो तनय, अच्छा तनय आप पहले वाले का दे रहे हो, देन इट्स फाइन। ए यूनियन बी का 23/36 है, प्लीज फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी बार। तो ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब सबसे पहले तो हमें क्या कंसीडर करना है, इवेंट जहां पे हमारा सम जो है वो ऑड हो, एंड इंटरसेक्शन आ गया, एंड पी बार मतलब जहां पे हम लोगों का एटलीस्ट, मतलब हम लोग ऐसे केसेस कंसीडर करें जहां पे हमारा वन ना हो। सो ये हमारा हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू ऑल द नंबर्स ए इंटरसेक्शन बी बार डिवाइडेड बाय नंबर्स इन द सैंपल स्पेस। यस विशाल, दिस वुड बी 12/36, दैट इज 1/3। लेट लेट पीपल सॉल्व एंड अंडरस्टैंड, लेट पीपल सॉल्व एंड अंडरस्टैंड। हमें समेशन ऑड चाहिए जहां पे वन ना आ रहा हो, ऑड समेशन जहां वन ना आ रहा हो। जस्ट क्विकली मैसेज व्हेन यू आर गेटिंग दिस आंसर। मैम जी एक्सक्यूज मी मैम, इन ए इंटरसेक्शन बी बार वी विल ऐड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बार, और इज इट समथिंग यस। द फॉर्मूला ऑफ पी आप देखो, इंटरसेक्शन। हम लोगों ने मैम जो ऐड किया है वो हमने इंटरसेक्शन में थोड़ी ना ऐड किया है, वो तो हमने यूनियन में ऐड किया है। अगर मैं आपको बोलूंगी पी ए यूनियन पी बार, उसमें करोगे ना? अच्छा इट ओके मैम, ये इस वाले पार्ट को हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए ए इंटरसेक्शन, बी। ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हो ना? यस मैम, हाँ कर सकते हैं, देयर वेरियस फॉर्मूलाज जो आप लोगों ने किए कर सकते हैं। अच्छा लेट मी ओके, प्रिया हैज गॉट 1/3, कनिष्क हैज गॉट 1/3, व्हाट अबाउट अदर्स? ऋषभ एस इज सॉल्विंग सेम। अच्छा ठीक है, ओके आई लर्न स्लोली। ओके ओके ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज एथ पार्ट, दैट इज फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन ऑफ बी बार। अब यहाँ पे यूनियन आया है, यूनियन माने और, यूनियन माने एडिशन। अभी देखो व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग। एक बार आंसर कंफर्म आप लोग करो, फिर मैं फॉर्मूला इसका लिखूंगी कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। जस्ट ट्राई, मतलब ए भी ना हो और बी भी ना हो, ए भी ना हो इवेंट और बी भी ना हो, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम ए इंटरसेक्शन बी, यस मैम यस मैम, यस 5/6 था ना। सो हमें क्या निकालना है ना, हमें निकालना है, अब मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, कन्वीनियंट होएगा। हमें क्या निकालना है जहां पे हमारा ए भी ना हो रहा हो और बी भी ना हो रहा हो। तो बेसिकली जहां पे हमारे ये दोनों चीजें हो रही हैं उसका बार निकालना है हमें।
जहां पे हमारा ए और बी दोनों अकर हो रहा है उसका बार निकालना है. सो व्हेन वी आर सेइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, दैट मींस वी आर फाइंडिंग आउट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो ए इंटरसेक्शन बी हमने ऊपर फाइंड किया था, सो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 6, दैट इज 5 बाय 6. आर वी ऑल ऑन द सेम पेज टिल हेयर? ऐसे ही कुछ फॉर्मूला है, कुछ पांच छह फॉर्मूले और हैं, ऐसे ही सॉल्व करना है. आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? अखिल आर यू गेटिंग? अखिल आपको समझ आ रहा है? यस मैम. ठीक है. सो दिस वॉज 8th, देन लेट अस सी द 9th वन. सो इट सेज फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार. फाइंड आउट दिस. यस तना, इट इज 13 बाय 36. तो हमें ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार निकालना है. इसका मतलब हमको अब यहाँ पे क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी होल बार कम एज 1 माइनस पी ए यूनियन बी, दैट इज कमिंग टू बी 13 बाय 36. प्रिया हो रहा है आपसे? यस मैम. ऑल राइट, देन 10th दोबारा से लिख देती हूँ, जो ऋषभ ने कहा था, दैट इज अगर हमें पी ए इंटरसेक्शन बी बार निकालना होगा, सो दिस विल बी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस विल कम आउट टू बी 1 बाय 3, जो ऊपर हमने सॉल्व किया है. 11th, इफ वी आर सेइंग इट इज पी ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी, प्लीज फाइंड आउट दिस. पी ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी, प्लीज फाइंड आउट दिस. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस विल कम आउट टू बी, बताओ. वेटिंग. या सो दिस विल कम आउट टू बी 11 बाय 36 माइनस 6 बाय 36, दैट इज 5 बाय 36. Any confusion till here? Please ask if there is any confusion till here. Please ask. Now, next part is, or next formula rather, we can say, is if we need to find out P A bar union B. P A bar union B. What will be the formula for this? हमने पी ए यूनियन बी इस पेज पे डिस्कस किया है. ये देखो पी ए यूनियन बी, यहाँ पे हमने लिया है पी ए प्लस बी पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. तो जब हम पी ए बार यूनियन बी बोल रहे हैं, तो हमारा क्या फॉर्मूला एंड आंसर होना चाहिए? ए की जगह हमने ए बार ले लिया, व्हाट शुड बी द आंसर? वन बाय 18. आर यू श्योर तनय? प्लीज चेक योर कैलकुलेशंस, प्लीज चेक योर कैलकुलेशंस तनय. I'll wait, not write the formula, I'll wait. I'll wait for the right answer. पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपके सामने है और मैंने आपको दिया है पी ए बार. विशाल इज सेइंग 11 बाय 36. एवरीबडीज आंसर इज डिफरेंट, नो, एंड किसी का सही नहीं है. मैम I've दो written the मिनट वेट formula करो मैम. here, so it will be. अच्छा ठीक है, 2 मिनट वेट करती हूँ. ठीक है, एक बार जिन लोगों का गलत आंसर है बेटा, एक बार चेक करो, गड़बड़ हो रही है कुछ. P
ए यूनियन बी का फॉर्मूला देखो, कुछ भी नहीं करना इसमें, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला देखो, मैंने ए की जगह सिर्फ ए बार किया है। नो द आंसर इज 5/36, सॉरी 2/3, या द आंसर इज 2/3, जस्ट चेक। पी ए बार निकालना है आपको, और फिर पी ए बार इंटरसेक्शन बी निकालना है। ऊपर उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, जब एक में बार लगता है, पी ए इंटरसेक्शन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सॉरी पी ए बार इंटरसेक्शन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यू जस्ट नीड टू पुट इन द वैल्यूज। हु सेड 2 मिनट वेट करो बेटा, अभी और वेट करें या सॉल्व कर रहे हो, या हो गया है नहीं मैम, हो गया मैम, क्या? आया 23/36। चलो, आई जस्ट राइट द फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला इज पी, हो सकता है फिर यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो। द फॉर्मूला इज पी ए बार प्लस पी बी माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी। क्या ये लिया है आपने फॉर्मूला या कोई और फॉर्मूला लगा दिया है? जब मैं पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बोल रही हूँ कि पी ए है प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने सिर्फ यहाँ पे ए बार ही तो लगा के ये फॉर्मूला आया है। यस, अभी सबका आ गया। हाँ अभी सबका आ गया, अब कैसे आ गया 2/3? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा था पार्थ? वेयर वॉज द प्रॉब्लम? मैम वो जो इंटरसेक्शन माइनस कर रहा था उसमें डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन डी कर दे रहा था माइनस। उसमें डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी कर दिया था। हाँ वो ए डैश इंटरसेक्शन बी नहीं कर रहा था। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऊपर हमने ए बार इंटरसेक्शन बी भी किया है, ए बार इंटरसेक्शन बी भी किया है। ऋषभ आया आपका? मैम गलती ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? आई राइट दिस डाउन, आई राइट द एंटायर सॉल्यूशन। सो पी ए बार विल बी पी ए, क्योंकि हमारा 18/36 था, सो दिस विल बी 1 - 18/36 प्लस इसमें पी बी करना है, पी बी का वैल्यू 11/36 था, माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी करना है जो ऊपर हमने 11th फॉर्मूले में फाइंड किया था, सो दिस वुड बी -5/36। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2/3 आएगा। प्रिया डिड यू गेट? या ओके ठीक है। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हैं, थोड़ा आप लोगों को ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला 12th तक हुआ है, सो दिस इज 12th राइट? या सो द 13th फॉर्मूला आई एम सेइंग प्लीज फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। रिमेंबर इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, यूनियन मतलब होता है और। एक बार ये ट्राई करके देखो। ओपन दी ब्रैकेट, ओपन दी ब्रैकेट एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग। आई एम वेटिंग, एक बार खुद से देखो। मैम पी ऑफ ए बार ही आ रहा है। पी ऑफ ए बार ही आ रहा है, फिर से देखो एक बार। बी कहाँ गया? बी का भी तो कुछ होगा।
बी कहाँ गया? यस इट्स 5/36 राइट, पार्थ एंड विशाल। या आई थिंक ऋषभ ने बोला था कि ए ही ये बार ही आ रहा है, सो आई विल जस्ट वेट फॉर हिम टू एनालाइज हिज सॉल्यूशन। बी का भी तो कुछ होगा। सो आई जस्ट एक्सपैंड दिस, विल आई हैव ब्रैकेट ओपन करो, देन दिस विल बी ए इंटरसेक्शन ए बार यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी। ओके देन अब आप इसमें देखो, ये जो हम इसको बोल रहे हैं ना पी ए इंटरसेक्शन ए बार, तो एक्चुअली जो ये पी ए इंटरसेक्शन ए बार है ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये तो कुछ होएगी ही नहीं ना वैल्यू। तो हमारे पास क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए बार मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो दोनों में कॉमन हो, वो तो हो ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे हमारा जो वैल्यू बचेगा दैट विल बी ओनली पी ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 5/36। ऋषभ आया? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन एसोसिएटेड विद दिस ओनली। यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लिया था, मतलब यहाँ पे हमने एंड लिया था। अब मैं आपको जो नेक्स्ट फॉर्मूला दूंगी वो यूनियन वाला दूंगी। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी। मतलब अब मैं आपको आपको बोल रही हूँ और, तो इसका फॉर्मूला मैंने और वाला यूनियन वाला फॉर्मूला इस पेज पे लिखा है, ऊपर भी दोबारा लिखा था, उसके हिसाब से देखो यहाँ पे क्या होगा। See what will happen here. वेटिंग मैम, ये पूरा यूनिवर्सल नोबडी इज सेट एबल टू कवर सॉल्व, यू वांट मी टू गो कर रहे हैं मैम? ये तो पूरा सेट कवर नहीं क्या कर रहे क्या हैं, पूरा सेट कवर नहीं कर रहे हैं, पूरा क्या हेड? पूरा सेट जो है पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं हो जाएगा ये? नहीं हमने बार लिया है, बार में कुछ ना कुछ चीजें तो छूटेंगी। यस मनीष इट इज 23/36 मैम 23/36 नाइस, मैम, ए ठीक है ए इट इज ट्वेंटी यूनियन थ्री ए यूनियन ए नोट में तो पूरा यूनियन इक्वल आ जाएगा ना सैंपल स्पेस? आपको फॉर्मूला लगाना है और वाला। और वाला फॉर्मूला कैसे लगाओगे? यहाँ पे हमने बोला है हम दो चीजों को ले रहे हैं, एक है जो हमारा इवेंट ए है वो, इवेंट के फॉर्म में देखो इसको, एक है जो हमारा इवेंट है ए वो, और एक वो वाले हमारे इवेंट्स आ रहे हैं, वेज आ रहे हैं जो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी है। तो हमारे दो इवेंट्स को हम ऐसे करके ले रहे हैं। तो यूनियन में हमने क्या फॉर्मूला लिया था? पी ए प्लस बी बी लिया था ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी। आई राइट द फॉर्मूला, ये ऊपर वाला फॉर्मूला आई होप आपको यूनियन का क्लियर हो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी।
हमने जब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिया तो हमने लिखा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब जो हमारा यहाँ पे बी है इस बी को रिप्लेस कर दिया है ए बार इंटरसेक्शन बी ने, तो हमने सारी जगह इस बी को रिप्लेस कर दिया ए बार इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे जो ये इवेंट ए और इवेंट बी था सेम चीज हमने यहाँ पे लिख दी, ये हमारा इवेंट ए और यहाँ पे भी हमने बी को रिप्लेस कर दिया ए बार इंटरसेक्शन बी से। समझ आया? बट अगर इसको ओपन करके करेंगे जैसे से पहले वाले क्वेश्चन वगैरह तो उस दे देखो आप, मैंने आपको वही बोला, मैं ये बार बार एंड और क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि एंड में हमें दोनों लेने होते हैं। एंड में होता है जो हमारा इंटरसेक्शन आ रहा होता है, और में वो आता है जो हमारे सारे सेट्स के अंदर हो। इंटरसेक्शन हम लोग माइनस करते हैं। आप इंटरसेक्शन का फॉर्मूला यूनियन में नहीं लगा सकते और यूनियन का इंटरसेक्शन में नहीं लगा सकते। अच्छा मैम, अगर वैसे करेंगे तब भी तो होगा ना कि सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन ए यूनियन बी वो भी 23/36 ही आएगा। आ गया तो वेरी गुड, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बता रही हूँ ऐसे, क्योंकि ये जो हम लोग हिट एंड ट्रायल वाली चीज करते हैं ये एग्जाम में कितनी कारगर होती है हमें नहीं मालूम। इट्स बेटर दैट वी शुड नो द फॉर्मूलास। मैम एक बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दो। चलो एक सेकंड, मैं दोबारा लिखती हूँ सारी चीजें। सो मैंने बोला आपको पहले मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिखती हूँ, पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकंड मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पी ए यूनियन, एक मिनट इसका ब्रैकेट, पी ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। सो दिस वाज पी ए प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ये जो माइनस पी ए जो आप पूरा का पूरा सेट बोल रहे हो ना, एक्चुअली हमारी ये वाली चीज जीरो हो जाएगी क्योंकि ऐसा कोई इवेंट आएगा नहीं। डायग्राम भी बनाऊंगी, पहले क्वेश्चन बता देती हूँ जिन लोगों को समझ आया है। ये वाली चीज हमारी जीरो हो जाएगी, डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी। सो दिस पी ए हमारे पास, ये पी ए था उसकी वैल्यू वॉज 18/36 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला हुआ है दैट इज 5/36। दिस इज हाउ वी विल गेट 23/36। अब एक बार मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। सो दिस इज से सेट ए सेट बी, ये वाली जो चीज है हमारी ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम बोल रहे हैं हमें फाइंड करना है ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी जिसको हमने क्लासिफाई किया पी ए। सो दिस इज आर पी ए, ए तो हमको वैसे भी लेना है ना, क्वेश्चन में बोला है ये देखो हमें ए लेना है, और हमें वो चीजें लेनी है जो हमारी ए बार इंटरसेक्शन बी में आती हूँ। सो ए बार इंटरसेक्शन बी जो ए बार में, जो ए के अंदर ना हो बट जो बी के अंदर हो, वो वाली चीज हमने एक्सपैंड किया। जब आप इसका लास्ट वाला देखोगे ना, ये जीरो क्यों हुआ है, बिकॉज सी व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन दिस, सो वो हमें लेना है ए बार इंटरसेक्शन बी। पर ये ए इंटरसेक्शन ए बार ये तो हमारा ऑलरेडी नलीफाई हो जाएगा, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। कुछ समझ आ रहा है? ए इंटरसेक्शन ए बार नलीफाई हो जाएगा, तो पिछले क्वेश्चन में भी था ना। यस मैम, आ रहा है जिसका डाउट था बेटा, सॉरी आई डोंट नो किसका डाउट है, बट क्या आपको समझ आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। बेटा आपको कुछ बोलना पड़ेगा। Whose doubt was it? Why aren't you speaking? I am unable to hear anything. I'm moving forward then if you are not speaking. बच्चे doubt किसका था ये? चलो कोई नहीं बोल रहा है तो फिर मैं आपका नेक्स्ट पार्ट ले रही हूँ। देन वी हैव द अदर फॉर्मूला, आज करा दूँ ये कंडीशनल प्रॉपर्टी, कंडीशनल वाले रूल्स आपने किए हैं
ये कंडीशनल रूल्स किए हैं आप लोगों ने? यस मैम, आज करा दूं ये वाले रूल्स, या एडिशनल से एसोसिएटेड ही एक दो क्वेश्चन और कर ले, एडिशनल प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड ही एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर नागर अंदाज का एडिशनल रूल बता दूंगी। व्हाट डू यू वांट टू डू, कंडीशनल करना है या एडिशनल को कंप्लीट कर ले? हम कंडीशनल। व्हाट डू यू गाइस वांट टू डू, कंडीशनल कर ले, बहुत हो गया एडिशन। चलो ठीक है, सो ओके, सो एसोसिएटेड विद द सेम क्वेश्चन, आई डोंट रिमेम्बर नाउ द नंबर ऑफ फॉर्मुलेज, सो लेट इट बी फर्स्ट कंडीशनल वन, सो पी ए स्लैश बी, फाइंड आउट दिस, विच मीन्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। Yes, you have raised a hand. By mistake. Okay. 11 by 18. Rishabh, it is not 11 by 18. Yes, Manish, it is 6 by 11. So we have to find out the probability of A given that B has already happened, which means we are trying to find out probability of A intersection B divided by PB. So, ये हमारा हो जाता है 6 by 36 divided by 11 by 36 and we will get the answer 6 by 11. बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग मिस हो रहे हो, as in I am missing you, I am not getting that you are not solving the questions. See, this is not a physical classroom जहाँ पे मुझे आपके expression से समझ आ जाए कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है. मैं सिर्फ multiple times आप लोगों को बोल सकती हूँ, encourage कर सकती हूँ कि please अपने doubts पूछो. समझ नहीं आया. And I will try my best. I will repeat 100 times जब तक वो आपको clear नहीं होता. हाँ? मैम समझ में नहीं आया मैम, एक बार बताना मैम. क्या? मैम ये conditional वाला समझ में नहीं आया. Yes मैम. कंडीशनल आपने पहले किया है बेटा? नहीं मैम, नहीं किया मैम. तो रहने दो, फिर मैं आपको कंडीशनल स्टार्ट, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि आज क्या करें, तो फिर कंडीशनल रहने दो, मैं आपको ना एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, एक नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन दे देती हूँ, कंडीशनल और नागर अंदाज का भी एडिशनल कर ही करेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन देती हूँ, फॉरगेट दिस कंडीशनल, फॉरगेट दिस क्वेश्चन कंडीशनल वाला, दोबारा से मैं आपको कंडीशनल अगर नहीं किया है बेस से कराऊंगी फिर, दिस वाज ओनली बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि सबने प्रोबेबिलिटी किया है और आप पहले वाले फॉर्मुलेज भी सब लोग इजीली देते आ रहे थे, इस वजह से फिर मेरे को लगा मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। किसने नहीं किया, किसने बोला था ये, सो दैट आई टुमारो एंड व्हेन एवर वी डिस्कस कंडीशनल आई विल कीप अ टैप ऑन दैट, किसने बोला है ये? मैम मैंने। सोनू आपने तो, चलो कोई बात नहीं, आपकी तो है ही फर्स्ट क्लास, कोई नहीं, आई जस्ट गिव यू गाइस वन क्वेश्चन, इट हैज टू पार्ट्स, वो करके आज का खत्म करते हैं फिर। सो द क्वेश्चन सेज दैट इफ, क्या हेलो मैम, आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैम, मैंने मैम पहले कभी इको नहीं पढ़ी थी मैम, तो फर्स्ट क्लास पहले इको ले रहा हूँ। बेटा एक सेकेंड, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, मुझे आज का टॉपिक खत्म करने दो, मैं पूरा टाइम दूंगी, ठीक है, आप दो चार मिनट रुक जाओ। हाँ, so if two dice are thrown, what is the probability? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था ना कि क्लास के एंड में हम बात करेंगे, so just have your patience that the sum is number one greater than 8, simple questions है, number two we need to find out the sum is neither 7 nor 11. Just give me the answers. Very simple questions. Last question for the day. Okay, so you are saying the answer of first part is 10 by 36. Yes, the answer of first part is 10 by 36. Hein? Zero? Vishal, 0 by 36? Oh, sorry. Okay, yes.
10 by 36. Okay, so this is 10 by 36. What is the answer for the second one? देखो नॉर आ गया, अब इसमें क्या हो सकता है, या तो इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो, या फिर जो हम लोगों ने बार वाली फॉर्मूले की है बार वाले फॉर्मूले से कर लो, जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट हो. दोनों ले लो और फिर उसका बार लगा लो. I'm 8 by 36 of second, I guess. 8 by 36? I'll just tell you. No. It's not 8 by 36. 8 by 36, Nana. I'm 28 by 36. Yes. So it is coming out to be 7 by 9, 28. Yes, 28 by 36. सबका हो गया ना ये question? Anybody जिसका ना हुआ हो तो फिर मैं दोबारा इसको solve करूँगी. कोई है जिसका नहीं हुआ है? Second का नहीं. Second का नहीं हुआ? And you are? No, no. And you are? Yes. एक काम करो, आराम से solve करो. जब तक मैं attendance लेती हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं आपके लिए दोबारा solve करूँगी. ठीक है? 3-4 मिनट और दो इस क्वेश्चन को. ठीक है, हमने बोला है जो हमारा समेशन है वो ना तो 7 हो ना वो 11 हो. तो हम ये भी ले सकते हैं ना कि समेशन 7 और 11 हो और उसका बार ले लो, फिर वो भी कर सकते हो 1 माइनस करके. थोड़ा टाइम दो इस क्वेश्चन को. इट शुड बी 28 बाय 36 बोल रहे हैं, 7 बाय 9, जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ. And Sonu, you are not going to leave, please. I will discuss with you also. Yash, आप भी मुझे confirm करोगे कि आपका हुआ या नहीं हुआ. Others, you can leave after the attendance.